बीते दिनों दरभंगा में ऐसी घटना घटी कि कहना बहुत ही आसान है कि कलयुग खत्म होने को है और भ्रष्ट युग भट युग की शुरुआत हो चुकी है। आए दिन कोई ना कोई अप्रिय घटना अपनों के साथ होती हुई शर्मसार देखने को मिलती है। ऐसी घटना बिहार के दरभंगा में घटी। इसका फरमान ऐसा चढ़ा कि कुबेरी साली के प्यार में पति इतना दीवाना हुआ कि पत्नी की गला दबा करके हत्या कर दिया है। आपको बता दें चलिए, यह घटना मध्योपी क्षेत्र के सीसो पश्चिमी निवासी स्वर्गीय फूलचंद्र यादव के पुत्र प्रमोद यादव ने पत्नी का गला दबाकर देर रात हत्या कर दी। उसकी भनक लोगों को मिली, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा मब्बी थाना को सूचना दी गई। ओपी अध्यक्ष राजकुमार सिंह मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसी भेज दिए। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाने के करहार गाँव के निवासी जैसी लाला यादव की पुत्री मनोदरी की शादी 4 वर्ष पूर्व प्रमोद यादव से हुई थी। ग्रामीणों में चर्चा का है प्रेम प्रसंग के कारण प्रमोद यादव ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। मौके मादवाद पर डीएसपी सदस्य अमित कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने क्या कहा इस घटना को लेकर के आइए सुनाते हैं। लेकिन वाकई में ऐसी घटना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जैसे किसी को किसी के रिश्ते का अब महत्व ही समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमने इस कलयुग को नाम दे दिया है भट युग। क्या मामला है सर? देखिए, बीती रात एक सीसो पश्चिमी में मनकुड़िया देवी नाम की महिला है, उनका शव पाया गया है। संदिग्ध लग रहा है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। उनके पति से पूछताछ तत्काल की जा रही है। तो उनके उनके पति को पुलिस ने उठाया क्या? उनसे पूछताछ हो रही है, घर पे वही थे। पूछताछ से क्या निकला है कि पूछताछ की जा रही है और डिटेल्स लिया जाएगा, तभी कुछ बताया जा सकता है। आपने शव की स्थिति को देखा है, क्या लग रहा है सर? बिल्कुल नेचुरल डेथ नहीं लग रही। अच्छा, नेचुरल डेथ नहीं। ठीक है सर, आगे अभी पुलिस क्या कर रही है? कार्रवाई क्या कर रही है? पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, बाकी पूछताछ की जाएगी। हैं? जय श्री लाल गांव करहारा मधुबनी। अच्छा, तो आपकी बेटी थी जी। क्या हुआ है बेटी के साथ? मार दिया कला। कौन? और बोल जा। कौन है वो? दमाद है आपका। अच्छा, कितना बेटी थी आपको? बेटी से जोर से हैं, छह बेटी है। ये कितना नंबर पर थी? चौथा नंबर पर। कितना साल पहले शादी किए थे? 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। कितना दहेज दिए थे इसको? दहेज भी दिए थे कुछ जी। कितना? 5 लाख रुपया लिया था। मतलब गला भी दबा दिया है, तो आपको विश्वास है कि यही गला दबा दिया है? जी। सोया थे इसके साथ। अच्छा, तो ये बच्चा भी है इसको, बेटी को? बेटी है सर। दो गो? एक तो लड़की है। अभी थाना को आवेदन दिए हैं? क्या दिए हैं? किसके नाम पर? किसके नाम पर? प्रमोद के नाम पर। प्रमोद के नाम पर जी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? जयश्री लाल जाधव। कौन सा थाना है ये? मब्बी करहारा से आए हैं। कौन जिला में है? मधुबनी जिला। क्या करने के लिए आए हैं यहाँ पर? आए हैं जो हमारे ग्रामीण हैं, हमारे गांव की ही हैं, जयश्री लाल जाधव, उनकी लड़की बस्ती थी यहाँ। कहाँ पर? सीसो पश्चिम। हाँ, फोन हमको किया जी, मुखिया जी हाँ हमारे साथ चलिए, वहाँ हमारी लड़की को हत्या कर दिया गया है, वहाँ हमारी लड़की को मार दिया है, इसलिए थोड़ा सा हमारे साथ चलिए। मुखिया हाँ, सरपंच दोनों आदमी चलिए। मैं ठीक है, सरपंच साहब को दीजिए, हम चले वहाँ से आए यहाँ। ठीक है, वहाँ पहुँच कर हम लोग देखेंगे क्या है। यहाँ के प्रक्रिया से खुश हैं, संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। अच्छा, क्या मांग करते हैं प्रशासन? मांग करते हैं जो हत्यारा है, जो दोषी है, उसको फांसी की सजा हो। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ भोगेंद्र मंडल। आज मेरे पंचायत में सुबह लगभग 5 बजे के आसपास हम लोग को भी पता चला कि उसके घर का लोग जो है से जानकारी मिला कि ऐसे ऐसे वो महिला पति की पत्नी, पति पत्नी के साथ जो है बिस्तर पर जो ही रात के समय में जब सुबह उठता है तो देखा है मरा हुआ। अब मरा हुआ हालत में हम लोग भी पहुँचे हैं, वहाँ देखे हैं कि लाश सही में है पड़ा हुआ वहाँ पर। बहुत खोजबीन के बाद कुछ असलियत हम लोग को पता नहीं चल पाया। उसके बाद वहाँ के परिजन लड़की के जो है सो माता पिता वहाँ के लोग आए, हम लोग भी बोले क्या कि देखिए अगर गलत किया है तो उसके साथ जो है हम लोग कभी नहीं रहेंगे, हम लोग दोषी को कभी भी पैरवी नहीं करेंगे। इस हालत में थाना से हम लोग को फ़ोन किया, हम कहे ठीक है आप लोग आ करके इन्वेस्टिगेशन करके देख लीजिए,
अगर दोषी है उसका हस्बैंड तो उसको सजा मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार ठाकुर, मुखिया शिशु पक्ष। कहाँ पर आए थे अभी आप? अभी मैं अभी थाना के पास। क्या करने के लिए आए थे यहाँ पर? वो लाश है, वहाँ से लाश उठा करके यहाँ लाया गया है, उसका इंजुरी बना, यहाँ पर FIR हुआ, उसके बाद लास्ट पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कौन है आप? गांव पंचायत के? गांव के मुखिया हैं हम, अजय कुमार ठाकुर, पंचायत के सरपंच। क्या नाम? गुलाब यादव। हाँ, क्या मांग करते हैं? मांग तो यही करते हैं कि वो हत्यारा है, हत्यारा के साथ उचित न्याय तो वही होता है जो हत्यारा को फांसी दिया जाए। लेकिन आजकल मिल कहाँ रहा है न्याय? ये तो सरकार की कमी है, सरकार इसमें सुधार। आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं। मानते हैं कि न्याय नहीं मिलता है? प्रशासन से हम लोग गुहार लगाते हैं। यहाँ जो अभी प्रक्रिया है उससे खुश संतुष्ट? बिल्कुल खुश है। वहाँ के ग्रामीण से भी हम लोग खुश है, सब कुछ सब बतलाए हैं। यहाँ के सरपंच, यहाँ के सरपंच और मुखिया से सहायता मिला? बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग सुबह से बहुत बिजी देखे हैं हम लोग भी, आज जितना सपोर्ट होना चाहिए उससे ज्यादा किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ गुलाब यादव।